आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर दिया पाकिस्तान को झटका, कश्मीर पर मध्यस्थता करने से किया इंकार। मोदी सरकार का अगला एजेंडा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाना, मंत्री ने किया खुलासा। कमलनाथ सरकार को जगाने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश ने किया घंटानाद आंदोलन, सड़कों पर हुए प्रदर्शन। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी को सवाल करने का नैतिक अधिकार ही नहीं। और 19 लाख के इनामी 6 नक्सलवादियों ने किया आत्मसमर्पण, सरकार की पुनर्वास नीति से है प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र ने एक बार फिर झटका दे दिया है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर का मसला भारत पाकिस्तान आपस में बातचीत कर सुलझाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस मसले पर मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है और जवाब में कहा गया है कि भारत अगर कहेगा तो इस पर विचार किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलीहा लोधी की तरफ से एंटोनियो गुटेरेस के सामने कश्मीर मसले को उठाया गया था। एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टेफिन दुजारेक की ओर से बयान दिया गया है कि भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह के आक्रामक रवैये से बचना चाहिए और दोनों देशों को आपस में बात कर मुद्दे को सुलझाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस मसले पर मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है और जवाब में कहा गया है कि भारत अगर कहेगा तो विचार किया जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले महीने G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके अलावा वह पाकिस्तानी विदेशी मंत्री शाह महमूद कुरैशी से भी मिले थे। बुधवार को फिर मलीहा लोधी ने यूएन महासचिव से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर का मसला उठाया। इसी मुलाकात के बाद जब मीडिया की ओर से सवाल दागे गए तो यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि मध्यस्थता को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्थिति पहले जैसी ही है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों पक्षों की तरफ से ऐसी अपील की जाएगी तो इस पर फैसला होगा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिलाना है। इस बयान के साथ ही मोदी सरकार के अगले कदम की तस्वीर भी बहुत हद तक साफ होती नजर आने लगी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सिर्फ मेरी या मेरी पार्टी की ही प्रतिबद्धता नहीं है, बल्कि यह उस संकल्प का हिस्सा है जो साल 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान सर्वसम्मति से पास किया गया था। जितेंद्र सिंह का बयान बहुत स्पष्ट और साफ है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी इस मसले पर कई देशों के प्रमुखों से चर्चा कर साफ कर चुके हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है और हम कभी भी उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं और यह सिर्फ दो देशों के बीच का मसला है। मोदी सरकार कभी भी पीओके को लेकर एक्शन ले सकती है। लेकिन आपके प्रश्न का दूसरा भाग मैं कहूंगा कि वाकई नाउ द नेक्स्ट एजेंडा इज रिट्रीविंग पार्क ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा या मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा, दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनैनिमसली पास रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट इन 1994 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। अब ये और बात है कि कांग्रेस वाले खुद ही नरसिम्हा राव जी का नाम लेने में थोड़ा परहेज करते हैं, बट दिस इज एन एक्सेप्टेड पोजिशन। और जहां तक प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये मंजिल मखसूस तक पहुंची। लेकिन आपके प्रश्न का एक तरफ जहां पाकिस्तान कश्मीर का राग आलापता रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के अगले एजेंडे को जानकर अब उसकी बौखलाहट और बढ़ना लाजमी है। पीओके से चीन की आर्थिक जरूरतें भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में मोदी सरकार के मंत्री के इस अगले एजेंडे से चीन को भी तकलीफ हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब सुरक्षा बलों ने सोपोर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकी आसिफ को मार गिराया। आतंकी आसिफ घाटी में लश्कर ए तैयबा का संचालन करता था। हाल ही में सोपोर में आतंकियों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया था। आतंकियों ने परिवार के 3 सदस्यों को गोलियों से छलनी कर दिया था। इसमें एक मासूम बच्ची आसमा जान भी शामिल थी।
लश्करे तैयबा का आतंकी आसिफ घाटी में इस आतंकी संगठन का सबसे बड़ा कमांडर था। जम्मू कश्मीर में लश्करे तैयबा की हर आतंकी गतिविधि इसी के निशाने पर होती थी। ऐसे में आज सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को मारकर बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय सेना घाटी में आतंकियों के खात्मे के लिए विशेष अभियान चला रही है। पुलवामा हमले के बाद इस अभियान में काफी तेजी आ गई है। आतंकियों को होने वाली टेरर फंडिंग पर भी नकेल कसी हुई है। इससे आतंकी संगठन बौखला गए हैं और वे लगातार सेना पर हमला करने की ताक में रहते हैं। यही वजह है कि आए दिन आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ सामने आ रही है। टुडे मॉर्निंग ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आर पुलिस अलोंग विद एसएफ हैड लेड सर्टेन नाकास क्लोज टू सोपोर टाउन एंड व्हाइल द फेलो केम ही वाज चैलेंज्ड टू स्टॉप ही डिड नॉट ही थ्रू अ ग्रेनेड ऑन आवर पार्टी इन विच कपल ऑफ आवर पुलिस personnel are injured but they are out of danger in the ensuing encounter that militant has been neutralized। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आज उनके विरोधी रहे। मथुरा में चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा, हमारे देश में कुछ लोगों के कान पर अगर ओम या गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। मोदी ने आज सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान की शुरुआत भी की। उत्तर प्रदेश में मथुरा में पशु आरोग्य से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन्हीं विरोधियों पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर गाय का नाम सुनते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा कहने वालों ने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे देश में पशु धन काफी बड़ी बात है। इसके बिना अर्थव्यवस्था गांव कुछ नहीं चल सकता है। देश में प्लास्टिक से हो रहे नुकसानों को मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर देश में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किए जाने को कहा। उन्होंने देश के हर व्यक्ति हर संगठन में इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। आज से शुरू हो रहे इस अभियान को इस बार विशेष तौर पर प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए समर्पित किया गया है। भाइयों और बहनों, प्लास्टिक से होने वाली समस्या समय के साथ गंभीर होती जा रही है। आप ब्रजवासी तो अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे प्लास्टिक पशुओं की मौत का कारण बन रही है। 2 अक्टूबर तक अपने घरों को, अपने दफ्तरों को, अपने कार्यक्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करें। पीएम मोदी ने कहा कि प्लास्टिक से पर्यावरण को बेहद नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब जरूरत है कि देश सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त हो। इसके लिए आम आदमी सहभागी बनते हुए बाजार में खरीदारी करने कपड़ों का या जूट का थैला लेकर जाएं। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सरकार प्लास्टिक का उपयोग सड़क बनाने के लिए करेगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में घंटानाद आंदोलन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की निकम्मी सरकार ने प्रदेश के हितों को सूली पर चढ़ा दिया है। जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा। सरकार तबादला, खनन, शराब और पैसे कमाने में व्यस्त है। इनकी नींद खोलने के लिए घंटानाद आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा कमलनाथ सरकार की नीतियों के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आई है। सरकार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटानाद आंदोलन किया है। कमलनाथ सरकार ने 9 माह बीत जाने के बाद भी भाजपा ने सरकार पर जनता के कार्य न करने के आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने घंटे घड़ियाल और झांझ मजीरा बजाकर सरकार को जगाया और मध्य प्रदेश बचाओ कांग्रेस सरकार भगाओ के नारे लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस की नाकामी सरकार ने मध्य प्रदेश के हित सूली पर चढ़ा दिए हैं। सरकार सिर्फ कांग्रेस विधायक और मंत्रियों के कार्य कर रही है। सोयाबीन की खेती में किसान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री तो दूर, मंत्री भी किसानों से मिलने नहीं गए। हमने इनकी नींद खोलने के लिए घंटानाद आंदोलन करना पड़ा है। अगर ये नींद से नहीं जागे तो हम जनता के लिए आगे और मजबूती से लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की जनता के सारे हित सूली पर चढ़ा दिए। यहाँ केवल इनके विधायक और इनके मंत्रियों के हित वो सर्वोपरि है।
किसान खून के आंसू हो रहा, युवाओं का अपमान हो रहा, सड़कों की दुर्दशा है, कानून व्यवस्था ठप पड़ी, आज सोयाबीन में अफलन है, इनका कोई मंत्री भी, मुख्यमंत्री तो दूर की बात, इनका कोई मंत्री भी किसानों की सुध लेने के लिए नहीं गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कुंभकर्ण की नींद में सोने वाली ये सरकार, हमने तय किया कि इनको नींद से जगाएंगे और इसीलिए आज ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह आंदोलन जनता के हित के लिए है, आंदोलन से उस सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है जो पहले दिन से ही ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगी हुई है, उस सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है जो खनन, तबादला, आवकारी और शराब में उलझी हुई है, जो पहले दिन से ही ट्रांसफर और पोस्टिंग में उलझ गई। हम उस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे आज, जो पहले दिन से ही रेत में उलझी हुई है, माइनिंग में उलझी हुई है। हम उस सरकार को आज जगाने की कोशिश करेंगे जो पहले दिन से ही आबकारी और शराब में उलझी हुई है। हम उस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर विधायक और मंत्री आरोप लगा चुके हैं। उस सरकार को जगाने के लिए आज हमारा तनाव आंदोलन है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों से छलावा किया, अब उन पर 14% जुर्माने के साथ कर्ज के भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है, तबादलों ने गवर्नेंस को चौपट कर दिया है, जन समस्याओं के निपटारे पर किसी का ध्यान नहीं है, कलेक्ट्रेट पर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, कार्यकर्ता झूमाझटकी करते हुए बैरिकेड्स फांद कर भीतर घुस गए, कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 लागू की गई थी जिसके बाद कुछ कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने भाजपा के घंटानाद आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को नैतिकता के आधार पर सरकार से सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता। भाजपा कार्यकाल में प्रदेश की हालत बड़ी दयनीय थी, कमलनाथ सरकार प्रदेश की जनता के हितों में कार्य कर रही है, कोई भी जन कल्याणकारी योजना बंद नहीं की गई, युवा से लेकर किसान तक सबके हित में सरकार कार्य कर रही है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि शिवराज सरकार में प्रदेश की हालत बड़ी खराब थी, शिवराज सरकार में अवैध खनन, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी चरम पर थी, बीजेपी को नैतिकता के आधार पर सवाल पूछने का कोई हक नहीं बनता, भाजपा को अगर सवाल करना ही है तो वो केंद्र की मोदी सरकार से करें जहां बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही हैं, पार्ले, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री बंद होने की कगार पर आ गई हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पहले यही बीजेपी कहती थी कि अगर पैसा गिरता है तो पीएम की साख गिरती है, देश नीचे जाता है, अब देश की जीडीपी 8-5% हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? आरबीआई से कर्ज लिया जा रहा है। जब बीजेपी घंटानाद करके विरोध कर रही है तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि वैसे नैतिक अधिकार नहीं है उन्हें, क्योंकि जो सरकार उन्होंने हमें सौंपी थी वो उस सरकार के चलते मध्य प्रदेश हर गलत वजह के लिए जाना जाता था, किसान 21,000 किसान आत्महत्या कर चुका था, यहाँ कुपोषण के लिए लगातार हम नंबर एक पर रहते थे, बेरोजगारी के लिए हम नंबर एक पर रहते थे, इसलिए उनको नैतिक अधिकार तो नहीं है, बस हाँ संवैधानिक अधिकार जरूर है और उस संवैधानिक अधिकार का हम सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी के विश्वास के चलते निवेश आ रहा है, 30,000 करोड़ का निवेश आ चुका है प्रदेश में और पीतमपुर फार्मा हब बन गया है देश का, साथ ही तमाम बड़ी कंपनी कमलनाथ जी के विश्वास के चलते आ रही है, इन्वेस्ट करना चाह रही है। शोभा ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में इन्वेस्टर्स बुलाए हैं और अब तक लगभग 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी आ रही है जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। कमलनाथ सरकार ने युवा, किसान और सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। भोपाल इंदौर मेट्रो से ट्रांसपोर्ट सुविधा बढ़ेगी। बीजेपी कार्यकाल में माफियाओं का बोलबाला था, कमलनाथ सरकार विकास की राह चल रही है। हरदा में भी बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ घंटानाद आंदोलन यात्रा निकाली। घंटानाद करते हुए बीजेपी नेता कमल पटेल ने कहा कांग्रेस सरकार प्रदेश को लूटने के काम में लगी है। उन्होंने कहा यह मैं नहीं कह रहा हूं, खुद कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं।
बीजेपी नेताओं ने कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और सरकार को जगाने के लिए घंटानाद आंदोलन यात्रा निकाली। आंदोलन में पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक संजय शाह सहित बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बीजेपी नेता कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद और तबाह करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस ने आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। राहुल गांधी ने 10 दिनों में किसानों की कर्ज माफी करने का वादा किया था, परंतु 9 माह बीतने के बाद भी कर्ज माफ नहीं हुआ। और यह पूंजी पहली भ्रष्ट निकम्मी सरकार की नींद उड़ाने के लिए ये समाचार पत्र तीनों चैनल में चला है। जनता जाग चुकी है, वो कार्यकर्ता बंधु हो, आज तो बहुत तेज बारिश है, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, नदियां पूर है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने गली में हर घर से थाली लोटा धान मंजीरे ढोलक और संग बांध करके गांव की नगर की गली गली में घूमो कि गली गली में शोर है और कांग्रेस की कमलनाथ सरकार। इस आंदोलन में आम जनता ने विधायक के साथ सड़क पर उतरकर हाथ में थाली ढोल मंजीरे बजाते हुए हरदा नगर में भ्रमण कर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक कमल पटेल ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री कमलनाथ से जवाब मांगते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को जो सपने दिखाए थे क्या वो पूरे हो गए हैं? कुंभकर्णीय नींद सोने वाली सरकार प्रदेश की जनता के लिए वादे कैसे पूरे कर सकती है? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नक्सल उन्मूलन अभियान से प्रभावित होकर 6 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक नक्सलियों का प्लाटून कमांडर और एक डिप्टी कमांडर सहित 2 महिला नक्सली शामिल हैं। इन नक्सलियों पर कुछ 19 लाख रुपए का इनाम सरकार ने घोषित किया था। यह नक्सली बीजापुर जिले के फरसेगढ़ और नेलसनार क्षेत्र में सक्रिय थे। बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि जिले में नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में मार डिवीजन में नक्सलियों की कंपनी नंबर 1 के प्लाटून कमांडर दिलीप बड्डे उर्फ चिन्ना ने AK-47 राइफल के साथ थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। उस पर शासन की ओर से 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिलीप 2003 से नक्सल संगठन में सक्रिय था और इस पर लूटपाट के कई मामले दर्ज थे। पुलिस पार्टी पर अलग अलग जगह एम्बुश लगाकर हमला करने जैसी घटनाओं में भी वह शामिल रहा था। उसके अलावा मड़कम बंडी की मार डिवीजन में सक्रिय था, जिसने SLR राइफल के साथ आत्मसमर्पण किया। वह नक्सल संगठन में डिप्टी कमांडर के अहदे पर काम कर रहा था और उस पर शासन की ओर से 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह साल 2010 से नक्सल संगठन में सक्रिय था और देसी रॉकेट लॉन्चर में विशेषज्ञ था। बीजापुर और नारायणपुर जिले के अलग अलग थानों में उसके नाम पर कई अपराध दर्ज हैं। इनके साथ ही सनकी बड्डे उर्फ सुजाता, बुडरी उसेंडी, महेश वासम और विनोद मेठा नाम के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सनकी पर 2 लाख और बुदरी पर 1 लाख रुपए का इनाम शासन ने घोषित कर रखा था।
लगातार चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के चलते आज बीजापुर पुलिस के समक्ष 6 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कि एक है दिलीप वड्डे उर्फ चिन्ना, जो कि कंपनी नंबर 1 प्लेटून नंबर 2 का प्लेटून कमांडर था, AK-47 हथियार संगठन में तारीफ करता था, जिसके पद पे 8,00,000 का इनाम है। दूसरा है मडकम बंडी, जो कि कंपनी नंबर 1 में सेक्शन डेप्यूटी कमांडर था, संगठन में SLR-LMG धारण करता था, जिसके सर पे भी 8,00,000 का उसके पद पे इनाम घोषित है। इन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 2 विवाहित जोड़े हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलियों द्वारा जबरन उनकी नसबंदी करा दी गई थी। इसके अलावा उनके खोखले सिद्धांत और शोषणकारी नीति से परेशान होकर उन्होंने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाली सभी नक्सलियों को शासन की ओर से 10,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाली सभी नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ऐसे में किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। MP के कृषि मंत्री सचिन यादव का कहना है, नुकसान का सर्वे होने के बाद मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बारिश से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। ऐसे में किसानों को तत्काल राहत की जरूरत है। सरकार का कहना है, अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे का कार्य लगातार कलेक्टरों की निगरानी में राजस्व एवं कृषि विभाग की टीमों द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही पूरे प्रदेश की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो किसानों को उचित मुआवजा देने की कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस सरकार किसानों की सरकार है एवं अन्नदाता के साथ संकट की घड़ी में साथ खड़ी है। मैं किसान साथियों को जो है प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यह सरकार आपकी है, किसानों की सरकार है, और इस सरकार में जो है आप हमारी सबसे प्राथमिकता में सबसे ऊपर अगर कोई है हमारे प्रदेश में तो हमारे किसान हमारे अन्नदाता है, और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इस संकट में जो है आपकी जो फसल नुकसानी हुई उस नुकसानी की भरपाई जो है सरकार करेगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किसानों का सत्याग्रह और मामा बेनकाब किताब का विमोचन करते हुए कहा, शिवराज सिंह ने बुधनी में किसानों का आंदोलन गुमराह कर तुड़वाया था और उनका पूरा परिवार रेत खदाने चलाने में लगा रहा। बुधनी क्षेत्र के किसान नेता अर्जुन आर्या ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम किसानों का सत्याग्रह और मामा बेनकाब रखा गया है। किताब में लिखा है कि शिवराज में फसल का मुआवजा मांगने पर किसानों को पीटा गया। जांच आयोग ने सरकार को निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन वचन पत्र में दोबारा जांच कराने का वचन दिया गया। किताब के विमोचन अवसर पर दिग्विजय सिंह ने कहा, आदिवासियों को पट्टा देने की केंद्र सरकार की स्कीम का मध्य प्रदेश में लाभ नहीं दिया गया। 2004 में यूपीए की सरकार यह स्कीम लाई थी। अब सरकार जाते ही मामा को आदिवासियों की याद आने लगी है। मामा जी को इसीलिए फुर्सत नहीं मिली क्योंकि रेत खदाने चलनी थी। पूरा परिवार रेत खदाने चलाने में लगा हुआ था। 15 साल में मामा जी आप करते क्या रहे? क्यों नहीं आपने इनकी दिक्कत परेशानियों को दूर किया? मामा जी को फुर्सत नहीं थी, रेत खदाने तो चलानी थी ना। अवैध रेत खदाने, पूरा परिवार अवैध रेत खदानों में लगा रहा। जिसने कोशिश की, किसानों का सत्याग्रह और मामा बेनकाब किताब में विमोचन के अवसर पर दिग्विजय सिंह के अलावा समाजवादी नेता रघु ठाकुर और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। किताब के लेखक अर्जुन आर्या ने कहा कि उन्होंने अपने इलाके में किसानों की खराब दशा देखी और फिर किताब लिखी। जो किसान उस समय अपने अधिकारों को लेकर, जब श्री शिवराज चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे, तो उस समय किसान जो है अपनी अधिकारों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे, और जब आवाज़ सुनी नहीं जा रही थी तो किसानों को मजबूरन सत्याग्रह करना पड़ा, अनशन करना पड़ा। किसानों की आवाज़ को दबाने का भरपूर प्रयास किया और यहाँ तक कि इतना अन्याय किया कि मैं उन्हें जनरल डायर की संज्ञा देता हूँ। तो इस अन्यायकारी उस समय की जो व्यवस्था थी श्री शिवराज चौहान के नेतृत्व में चल रही थी 13 वर्षों से, उसको मैंने इस किताब के माध्यम से एक संकलित किया है और उसका उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की सबसे ज्यादा भद उनके मंत्री पिटवा रहे। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा एक तो अपने घर में पानी टपकने से परेशान हैं, ऐसे में मंत्री तक उनके फोन नहीं उठा रहे। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने नए मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा दो तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। एक तो बारिश ने उनके सरकारी बंगले को ऐसा तरबतर किया है कि घर में कोई
ऐसी जगह नहीं है जहां से पानी ना टपक रहा हो। ऐसे में बार बार फोन लगाने पर भी कई मंत्री फोन नहीं उठाते हैं। सरकार के नए मंत्री विधायकों के मैसेज करने पर भी कोई जवाब नहीं देते हैं। थक हार के सुरेंद्र सिंह ने सरकार से अपना घर बदलने का निवेदन किया है। आप मेरे बंगले की हालत देख लीजिए, मेरा वीडियो क्लिप भी दूंगा मैं आपको। पूरे बंगले के अंदर बारिश होती है तो पानी भर जाता है। मेरा बेडरूम, मेरा किचन, मेरा डाइनिंग रूम, मेरा स्टाफ का रूम, सब में पानी बहता है बिल्कुल, जैसे कुछ तालाब बन जाता है मेरा बंगला। और पूरे घर की दीवारें सीलन कर रही है, उसमें बाहर आ रही है, तो रहने बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो इसमें। तो कल मेरी बेटी आई थी बाहर से, वो भी जाके होटल में ठहरी, यहाँ बाहर से सहन कर पा रही थी। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने पर्यटन मंत्री हनी बघेल का नाम लेकर कहा, मैंने 10 बार हनी बघेल को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, मैसेज भी किया, पर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। विधायक शेरा ने कहा कि नए मंत्री किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे मंत्री जो फोन नहीं उठा रहे, उनको पहली बार मंत्री बने, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे विधायकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। कमलनाथ जी उनको बार बार समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सब विधायकों को लेकर चलना है, विधायकों की बात सुननी है, विधायकों के हिसाब से काम करना है जिले में, लेकिन ये मंत्री लोग काम करने में इच्छुक नहीं दिखा रहे। दुकानदारों को धमकाकर रंगदारी वसूलने वाले 3 बदमाशों को छतरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोगों पर पहले फायर कर उसे डराते थे और फिर रंगदारी वसूलते थे। छतरपुर के ओरछा रोड थाने के देवपुर में ढाबा संचालक से रंगदारी वसूलने और फायरिंग करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती रात लाल ढाबा पर 3 बदमाशों ने ढाबा बंद करने की धमकी दी और ढाबा संचालक को कहा कि ढाबा चलाना है तो 50,000 रुपए महीना देना होगा। जब ढाबा संचालक ने रुपए देने से मना कर दिया तो इन बदमाशों ने पहले खाना खाकर जा रहे एक युवक पर कट्टे से हमला कर दिया और बाद में ढाबा संचालक पर कट्टे से हवाई फायर कर दहशत फैलाने की कोशिश की। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के सूचना लगते ही SP भी मौके पर पहुंचे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लाल ढाबा देवपुर तिगैना पे लाल ढाबा चलाता हूँ। वहाँ कल रात को 8:30-9 के बीच में शिवेंद्र यादव खंदेवरा का आया लड़का, नीलू तिवारी ने भेजा है। वो काफ़ी दिन से कह रहा है कि ढाबा बंद कर दो। वो कह रहा है कि या तो 50,000 रुपया दो महीना या मुझे ढाबा बंद चाहिए। वो आया और मुझे आगे बुलाया ढाबा से बाहर और कट्टा आदि के छाती में और धमकाने लगा, बोला अभी बंद करो। रात्रि लगभग 10:30 की बात है, ढाबे में जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसका कहना है कि एक व्यक्ति आया और उसने ढाबा बंद करने के लिए कहा और कट्टा उसके सीने में अड़ा कर उसको धमकी दी कि ढाबा को बंद करो और फायरिंग करके चला गया। मौके में जाकर के जांच की गई है, मैं खुद भी गया था, नगर पुलिस अधीक्षक गए हुए थे। 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और रात में 3 आरोपियों को पकड़ा भी गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। उसमें एक आरोपी संभवतः ओरछा रोड से भी संबंधित है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन के लाख दावों के बाद भी अपराधियों पर लगाम नहीं कस पाई है। अब बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला की चैन उसी के घर के पास से छीन ली। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन नतीजा अब तक शून्य ही रहा है। ताजा मामला कंपू क्षेत्र का है, जहां मंदिर से दर्शन करके लौट रही डिप्टी कमांडेंट की पत्नी से घर की दहलीज पर अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली और भाग गए। राधा रानी शर्मा शाम के समय मंदिर से दर्शन करके अपने किरार कॉलोनी स्थित घर पहुंची ही थी, तभी एक युवक ने पीछे से उनके गले पर हाथ मारा और चैन छीन कर आगे खड़े अपने साथी की बाइक पर सवार होकर भाग निकला। अश्वनी कुमार पाठक 2nd बटालियन में डिप्टी कमांडर बताए जा रहे हैं। कंपू पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हमारे थाना क्षेत्र में किरार कॉलोनी में श्रीमती राधा रानी पाठक हैं। ये कल शाम को मंदिर से दर्शन करके अपने घर लौट रही थी। उसी समय जब वो अपने घर में एंटर हो रही थी, किरार कॉलोनी में रहती हैं, तो एक लड़का आया है और एक लड़का आके पीछे से उनकी चेन खींच कर लेकर भाग गया है। इसमें यह पता नहीं पड़ता है पीछे से कौन आके छुड़ा के ले गया। आदमी घबराहट में आ जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने झोलिया बताया और झोलिया के अनुसार। बारिश के बाद इंदौर के बदहाल ट्रैफिक में फंसे मंत्री जीतू पटवारी को खुद यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ी। मंत्री जी ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में नजर आए। चाणकपुरी चौराहे पर जाम के बीच जीतू पटवारी को जब लगा कि वहां कोई ट्रैफिक संभालने वाला नहीं है, तो खुद उन्हें ये काम करना पड़ा।
इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर मंगलवार रात जाम में फंसे उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने यातायात सुचारू करने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया। वे गाड़ी से उतरे और गुत्थम गुत्था हो रहे वाहनों को निकालने लगे। उनके साथ दूसरे कुछ युवक भी यातायात व्यवस्था बहाल करने में जुट गए। तब पटवारी ने पुलिस अधिकारियों को भी फोन लगाया और कहा कि चौराहे पर यातायात सांकेतक बंद है और कोई पुलिस जवान भी नहीं है, यहां जल्दी जवान को भेजें। मंत्री पटवारी करीब 15 मिनट तक चौराहों पर यातायात बहाल करने में जुटे रहे। उसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और यातायात व्यवस्था को ठीक किया। छत्तीसगढ़ में बारिश के चलते अधिकांश गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है, जिसके चलते एक गर्भवती महिला को लेने गई एम्बुलेंस घर तक नहीं जा सकी। जैसे तैसे महिला के पति ने कंधे के सहारे 3 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक महिला को पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही प्रसव पीड़ा बढ़ने से रास्ते में डिलीवरी करानी पड़ी। गनीमत रही कि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन इस सब के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार गांव में सड़क नहीं बना पाई है। बारिश में छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश के दिनों में अंदरूनी इलाकों के नदी नाले उफान पर हैं, जिसके कारण एम्बुलेंस और महतारी एक्सप्रेस इन इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है जहां इनकी जरूरत है। सुकमा के तोकपाल में एम्बुलेंस को ग्राम उपलंका से डिलीवरी केस की जानकारी मिली, उसके बाद एम्बुलेंस के कर्मचारी मौके से निकल पड़े, लेकिन इस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था। बताया जा रहा है कि गांव तक पहुंचने के लिए नदी पार करना पड़ती है, मगर पुल नहीं बना हुआ है, जिसके कारण पथरीली पगडंडी रास्तों से होकर उस गांव तक पहुंचा जाता है। गर्भवती महिला को पति के कंधों के सहारे पिपली पारा से 3 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ा, जिसके बाद महिला एम्बुलेंस तक पहुंच पाई, लेकिन रास्ते में ही महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ने के कारण उसे डिलीवरी करानी पड़ी। महिला का नाम कोशी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं